हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, शिवरात्रि आने वाला है। शिवरात्रि पे अगर इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो पे वन डे पे 10 मिलियन व्यूज आ चुका है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाएंगे तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे 3 से 4 वीडियो शूट कर लेना होगा अलग अलग पार्ट में। वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। तो चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेनुइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट आईडियो कर देंगे। इससे क्या होता है, वीडियो में जो भी आईडियो है वो आपका बाहर आ जाता है। इसके बाद आईडियो वाले लेयर पर क्लिक करते हैं, ओरिजिनल साउंड को मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। तो आपको मैं एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से आपको शूट किया गया है। मीडिया पे आते हैं, इसके बाद जो मैंने वीडियो शूट किया उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद 1 से 2 बार प्ले कर आपको देख लेना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था आपका रिमूव हो चुका है। तो वीडियो को मैं एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं एक यहीं तक का पार्ट चाहिए था, स्पीड टू प्ले हिट कर देता है। तो मैं एक बार प्ले कर देता हूं। तो जैसा कि आपको वीडियो देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूं। तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। जब आपका फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको शूट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शॉट को चेंज कर लिया। तो आपको भी कुछ इस तरह से सेकेंड शॉट का आपको पहन लेना है। इसके बाद सेम उसी तरह से आपको घूम जाना, जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में वीडियो में आपने घूमे थे। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले वीडियो को कुछ इस तरह से प्ले कर देख लेना है। फर्स्ट वाले पार्ट को सिर्फ आपको यहीं तक का पार्ट चाहिए, जहाँ तक आप सिर्फ टर्न ले रहे हैं यहीं तक का हमें पार्ट चाहिए। और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू लेफ्ट या लेफ्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो है कुछ इस तरह का चाहिए, सिर्फ इतना ही। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट का देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया। देख सकते फर्स्ट वाले पार्ट के लास्ट में आता है, हम यहाँ तक का टर्न ले रहे हैं। तो आपको यहाँ से फिर स्टार्ट करना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, हाथ हम ऊपर की तरफ करते हैं। आपको भी सेम इसी तरह से वीडियो को शूट करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। हाथ ऊपर की तरफ किया और सिर्फ हाथ हमें नीचे की तरफ करना है और आपको नीचे की तरफ आप बैठ जाना, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें बैठ रहा हूँ। तब बैठ रहे थे हम यहीं तक का हमें सीन चाहिए, पूरा सीन नहीं चाहिए, 50% तक यहीं तक आपको बैठने का सीन चाहिए। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस पार्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो आपको मैं प्ले कर दिखा देता हूँ। हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, जैसे कि तक देख सकते हैं शॉट मेरा चेंज हुआ, टर्न लिया, ऊपर की तरफ हाथ किया और नीचे की तरफ आ जाना है। तो इस तरह से आपको शूट कर लेना है। तो इस वीडियो में अब मैं आ चुका हूँ ओरिजिनल वीडियो। ओरिजिनल वीडियो में आपको क्या करना है, इस पार्ट में ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक का पार्ट को हमें रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। और इसके बाद आईडियो वाले लेयर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ वीडियो को। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जैसे टर्न लिए और हाथ आप ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे की तरफ आप डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट आते ही आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आपका फर्स्ट वाले पार्ट का वीडियो जो है तैयार हो चुका है। इसके बाद जो इस वीडियो में ओरिजिनल वीडियो है, उस ओरिजिनल वीडियो में आपको सिर्फ यहीं तक का सीन चाहिए। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है, इससे पहले का आपका सीन चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, यहीं तक का सीन चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। आपका कुछ इस तरह से शूट हो गया।
और इसके बाद आपने जो सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किया था वहाँ यहाँ पे आपको ऐड करना है। इसके बाद जो मैंने सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किया था उस पार्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया हूँ, पाउडर लिया हूँ हाथ में, पाउडर आपको कुछ हल्का ले लेना है। इसके बाद पाउडर को आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको आपको घूम जाना है, घूमते हुए में पाउडर को ऊपर की तरफ आपको फेंकना है। तो देख सकते हैं तो हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा है टीम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस पार्ट को हमें स्लो मो करना है, स्पीड कंट्रोल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। अब वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहीं तक का पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना ही पार्ट रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले कर देंगे। इसी पार्ट पे मैंने सेकेंड पार्ट भी शूट किया हूँ, आपको भी सेकेंड पार्ट शूट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड पार्ट मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हमारा कोई पार्ट नहीं है तो इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहीं पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद मैंने और एक वीडियो शूट किया हूँ, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट का वीडियो मैंने शूट किया, तो पाउडर आपको लेना है, हाथ में रख लेना है और कुछ इस तरह से हाथ में आपको पकड़ लेना है और ऊपर की तरफ फूकना है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से किया था, तो आपको भी कुछ इस तरह से कर देना है। तो आपको देखना है जहाँ से वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, टीम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। वीडियो आपको यहाँ पे स्लो मो में हो जाएंगे, आपको देखना है वीडियो आपको कहाँ तक खत्म हो रहा है। तो वीडियो देख सकते हैं हमारा यहाँ तक खत्म हो जा रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले कर देंगे। तो इस पार्ट का हमारा काम हो चुका है, इस पार्ट में हमारा कोई पार्ट नहीं है तो इस पार्ट को हम कर देते हैं डिलीट। तो आपको मैं एक और वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह का हमारा वीडियो हो चुका है। तो जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट वाला वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया था, टर्न लिया, इसके बाद हमने हाथ ऊपर की तरफ किया हूँ। आपको भी वीडियो कुछ इस तरह से ही शूट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पाउडर को लेना ऊपर की तरफ करना है और इसके बाद पाउडर को ऊपर की तरफ फूकना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट का भी वीडियो शूट हो चुका है। इसके बाद इस पार्ट में एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिमूव करेंगे। इसके बाद वीडियो का एक तरफ क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो जा रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, आपको ये ध्यान से यहाँ पर मैच करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, टीम टू लेफ्ट कर देंगे। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। कैचिंग निशान वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब आपका वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है, मीडिया पे आना है और लास्ट वीडियो जो आपने शूट किए थे उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने लास्ट वीडियो सिर्फ इस तरह से शूट किया हूँ, तो आप अपने हिसाब से शूट कर लेना है। वीडियो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वीडियो को कुछ इस तरह से मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। और एक्स्ट्रा पार्ट को जो अभी भी है ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। इसके बाद स्लो मो करना है तो 0.5 आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है, तो सिंपल आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी आप दे सकते हो। सिंपल आपको देना कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन ए मिल जाता है, इससे पहले आना है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है। बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सीलेशन का, एक्सीलेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्पीड इन या फिर स्पीड आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको स्पीड आउट सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ आना है, कुछ इस तरह से वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको देना ट्रांजेक्शन इफेक्ट, ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एक्सीलेशन के। आपके काइन मास्टर में एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं जो काइन मास्टर अप्लीकेशन यूज करता हूँ इस अप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस पे आना है, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस पे आना है, फिर से एक सिलेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको स्पीड इन स्पीड आउट जो भी सेलेक्ट करना है कर लेना है। तो यहाँ पे स्पीड इन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो मैं एक बार वीडियो को आप फाइनली प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से अब देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और शिवरात्रि आने वाला है, यदि आप इस टाइप का वीडियो बनाते हैं आप टिकटॉक पे, तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आई दो फेड आउट को ऑफ कर देना है। मैंने जो ओरिजिनल साउंड को वॉल्यूम को म्यूट किया था, फिर से हमें इसे स्टार्ट कर देता हूँ। और 200 कर सकते हो या फिर 100 भी कर सकते हो, तो 200 में रहने देता हूँ। तो हमारा वीडियो यहाँ पे फाइनली तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा है, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।